हरे कृष्णा, सात्विक रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की चटपटी कचौरी। पहले हम बनाने वाले हैं चटपटी कचौरी की फिलिंग। उसके लिए हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। पहले दो टेबलस्पून पुदीना, वन टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स, दो चिलीज, एक आधा इंच जिंजर, क्वार्टर टीस्पून जीरा। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें नींबू जूस डाल के पेस्ट बनाएंगे। एक बड़ा सा लेमन, अभी हम इसकी फाइन पेस्ट बनाने वाले हैं। अभी हमने पुदीने की पेस्ट बना ली है, अभी हम फिलिंग बनाने वाले हैं। उसके लिए एक कोर्सली ग्राउंड नट्स हैं, रोस्टेड और कोर्सली ग्राउंड नट्स हैं, थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट है, को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा ग्रैन्यूल शुगर, और ये तीखा पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फिलिंग बनाएंगे। और थोड़ा ग्रैन्यूल शुगर। ये 6-8 कचौरी बनाने की पेस्ट हो गई। स्वाद अनुसार और थोड़ा नमक डालते हैं हम। अच्छा से मिक्स करेंगे। ये जो मिश्रण बनाई है इसमें 7-8 कचौरी बन सकते हैं। अभी
अभी हम बेस बनाने वाले हैं कचौरी की। इसके लिए हमको चाहिए साबूदाना, सोक्ड मिनी साबूदाना है, ये सोक्ड है, 4-5 घंटे सोक किया हुआ है, सॉफ्ट हो गया है, और बॉइल्ड पोटैटोस, सॉल्ट टू टेस्ट, इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। कोई भी लंप्स नहीं चाहिए, पेस्ट होना चाहिए बिल्कुल। अभी हम पहले ग्रीस करेंगे, फिर बेस बनाएंगे कचौरी की। अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो ये चिपकेंगे। थोड़ी सी चटनी फिलिंग, बिल्कुल राउंड। सील बराबर करना है, नहीं तो इंग्रेडिएंट्स ऑयल में जाएंगे। थोड़ा सा फिलिंग्स, बेस के फिलिंग से सील करेंगे। हमारी कचौड़ी तैयार है फ्राइंग के लिए। अभी हमने तेल गरम कर ली है, एकदम तैयार है, और कचौड़ी भी तैयार कर ली है। अभी हम तलने वाले हैं। अभी ब्राउन हो चुके हैं कचौरी। क्रिस्पी ब्राउन चटपटी कचौरी। चटपटी कचौरी के साथ हम चटनी बनाने वाले हैं खजूर और टमाटर की। पहले हम पैन गरम करेंगे। थोड़ा सा तेल, 1 स्पून टमाटो, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम 5-6 डेट्स डालेंगे जो डी सीड किया हुआ है और सोक्ड है पानी में। दोनों को पकाएंगे, अच्छी तरीका से कुक कर लिया है। अभी इसकी पेस्ट बनाने वाले हैं चटनी के लिए। टमाटर और खजूर की पेस्ट बना ली है हमने। थोड़ा सा पानी में गुड़ गलाते हैं। हाफ कप वाटर, 2 टेबलस्पून्स जैगरी। गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अभी हम ये पेस्ट ऐड करेंगे, खजूर और टमाटर की पेस्ट। सॉल्ट आपके टेस्ट अनुसार, 1/4 टीस्पून।
पेपर 1/4 teaspoon, अभी तैयार हो गया मिक्सचर, इसको छौंकेंगे। वन टेबलस्पून ऑयल है, हीट करेंगे। क्वार्टर टीस्पून जीरा, ब्राउन होने देंगे। चटनी को छौंकेंगे। और अभी हम तुलसी पत्ता लगा के भोग चढ़ाने वाले हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हरे कृष्णा। साबूदाना की चटपटी कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना 2 बड़े चम्मच, धनिया पत्ता 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्च 2, अदरक 1/2 इंच, जीरा 1/4 छोटा चम्मच, नींबू 1, पिसा हुआ सिंगदाना 2 बड़े चम्मच, कसा हुआ नारियल 2 बड़े चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, हरी चटनी 2 बड़े चम्मच, उपवास का नमक स्वाद अनुसार। कचौरी का कवर बनाने के लिए हमें चाहिए भिगोए हुए साबूदाना 2 कप, उबाल कर मसले हुए आलू 1, नमक स्वाद अनुसार। मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए टमाटर 2 बड़े चम्मच, भिगोए हुए खजूर 6 से 7 टुकड़े, तेल 3 बड़े चम्मच, गुड़ 2 बड़े चम्मच, पानी 1/2 कप, उपवास का नमक 1/4 छोटा चम्मच, काली मिरी 1/4 छोटा चम्मच, जीरा 1/4 छोटा चम्मच। हरी चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर बोल में पुदीना, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, जीरा और नींबू मिलाकर पतला पेस्ट बना ले। स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में भूनकर पीसे हुए सिंगदाना, कसा हुआ नारियल, नमक, चीनी, हरी चटनी मिलाए। कचौरी का कवर बनाने के लिए एक बोल में मसले हुए आलू, साबूदाना और नमक अच्छे से मिलाए ताकि गट्ठे ना बने। कचौरी बनाने के लिए अपने हाथों पे तेल लगा ले और 1 चम्मच आटा लेकर चपटा बना ले। फिर उसमें फिलिंग भरे और बंद करके गोल आकार दे। कचौरी को तेल में धीमी आंच पर तलने के लिए छोड़ दे और सुनहरा रंग आने पर बाहर निकाले। मीठी चटनी बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें, फिर इसमें कटे हुए टमाटर और खजूर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दे जब तक ये नरम ना हो जाए, फिर इसे पीस ले। एक बोल में पानी और गुड़ मिलाए। गुड़ पिघल जाने पर पीसे हुए टमाटर और खजूर का पेस्ट मिलाए। अब नमक और काली मिरी पाउडर डाल के मिलाए और अलग बोल में निकाल दे। एक पैन में तेल गरम करे, फिर जीरा डाल के पहले बना हुआ मिश्रण मिलाए और थोड़ी देर पकने दे। कचौरी को स्वीट चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।